हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैमल ट्रेक। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक वेबसाइट के बारे में, जो वेबसाइट पे आपको मेंस जीन्स सेल हो रहा है और यहाँ पे आपको अप टू 50% ऑफ में ये जीन्स आपको मिल रहे हैं। और भी बहुत सारे आपको ऑफर इस वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगा और इस वेबसाइट पर जितने भी सारे प्रोडक्ट है काफ़ी देखने के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जितने भी सारे ग्राफिक्स और पिक्चर्स यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी प्रीमियम है। और इस वेबसाइट पर आपको जीन्स के साथ साथ आपको शर्ट भी देखने के लिए मिलेगा और जितने भी सारे मेंस फैशन प्रोडक्ट है आपको इस वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगा। तो क्या गाइस, ये वेबसाइट सही है क्या? इस वेबसाइट से कोई भी सामान को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, आज हम वो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप यदि चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो। तो गाइस, वेबसाइट का नाम है jackdenims.com। तो ये क्या jackdenims.com वेबसाइट रियल है या फिर फेक है? तो गाइस, चलो मैं इस वेबसाइट के ऊपर बात करता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं, वेबसाइट का जो होम पेज है कुछ इस तरह का, उसका लुक्स आपको देखने के लिए शो करेगा। और गाइस, यहाँ पर ये जो पिक्चर्स यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए। तो क्या ये वेबसाइट सही है या फिर नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी पास्ट में बहुत सारे वेबसाइट का रिव्यू किए हैं जो सारे वेबसाइट सही में सही नहीं है, राइट? और वो ज़्यादातर वेबसाइट में क्या होता है ना, मेंस का जो शर्ट है वो सेल किया जाता था। लेकिन गाइस, ये कि ऐसा न्यू वेबसाइट है और आज मैंने इसका आर्ट देखा यूट्यूब पर। और गाइस, मैं सच बोल रहा हूँ, ये जो वेबसाइट है ये काफ़ी न्यू है, क्योंकि इसमें आपको ये पहले बार ये एक वेबसाइट है जिसमें मेंस का जीन्स सेल हो रहा है, वो भी काफ़ी सस्ते प्राइस पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 799 रुपीज़ में एक जीन्स और दो शर्ट आपको ये सेल हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। तो मैं आज बताऊंगा कि क्या आपको इस वेबसाइट से कोई भी सामान को परचेस करना है या भी नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने इस वेबसाइट का कुछ लुक्स के बारे में बात करता हूँ। तो यार देखो, हम जितनी भी सारी वेबसाइट का रिव्यू किए हैं, जैसे कि द रेवेंटिक डॉट कॉम हो गया, यूनिकलम्स डॉट कॉम हो गया, और भी XYZ जितने भी सारे पास्ट में वेबसाइट का हम रिव्यू किए हैं, और ये जो वेबसाइट है jackdenims.com, उसका लुक काफ़ी 99% सिमिलर है। और मैं 100% श्योर हूँ कि ये जो jackdenims.com वेबसाइट है ये भी Shopify से डेवलप हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि Shopify से जो सारे वेबसाइट डेवलप होते हैं वो फेक है, नहीं नहीं, क्योंकि गाइस बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड वेबसाइट है जो कि Shopify से डेवलप हुआ है। और Shopify कोई ऐसी स्कैम नहीं है, Shopify एक अच्छा ट्रस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग एक न्यू स्टोर बना सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। लेकिन गाइस, Shopify में एक अच्छा ऑफर अभी चालू है, जैसे कि आप 14 डेज का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। तो इसका ये स्कैमर जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं और एक न्यू वेबसाइट क्रिएट करके लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, राइट? तो मेरा Shopify से एक रिक्वेस्ट है कि Shopify ये स्कैमर्स और ये गलत लोगों के वजह से Shopify का नाम जो है बदनाम हो रहा है, तो प्लीज़ आप कुछ लीगल एक्शन लीजिए। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो वेबसाइट ये कहाँ से डेवलप हुआ है। मुझे तो 100% मालूम है कि ये Shopify से ही डेवलप हुआ है, राइट? तो जैसे आप देख रहे हैं, इसका जो होम पेज है और इसका जो लुक्स है ये काफ़ी 99% सिमिलर है पास में हम जितने भी सारे वेबसाइट का रिव्यू किए थे। और यहाँ पर आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, ज़्यादा डिस्काउंट, यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस ये 3999 रुपीज़, लेकिन ये आपको सिर्फ 799 रुपीज़ में ये सेल कर रहा है, जो यार इम्पॉसिबल है। इतना ज़्यादा डिस्काउंट कोई भी नहीं दे सकता, राइट? तो क्या गाइज, आपको इस वेबसाइट से कोई भी सामान परचेस करना है या भी नहीं? तो यार देखो, अभी तक कुछ भी फैसला मत लो, क्योंकि यार देखो मेरा वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, राइट? तो गाइज, आपको क्या करना है ना, ये वीडियो को एंड तक देखना है। तो गाइज, चलो हम बात करते हैं इस वेबसाइट के बारे में। तो मैं पहले क्या करता हूँ, वेबसाइट का जो होम पेज है ना, वहाँ पे एक अबाउट सेक्शन है, मैं उसको क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अबाउट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे अबाउट सेक्शन पे देखने के लिए क्या मिला ना, यहाँ पे ये वेबसाइट के बारे में मेंशन किया गया है कि वेबसाइट जेनुइन है, बहुत दिन से ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और ये बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, ये पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, राइट? ये सारे मेंशन किए हैं। और नोट्स पे ये मेंशन किए कि आप जो प्रोडक्ट देख रहे हैं वेबसाइट पर, यदि कुछ भी डिलीवरी टाइम पे यदि कुछ भी प्रोडक्ट का कलर और क्वालिटी में कुछ भी फ़र्क आया तो फिर ये जो jackdenims.com है वो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाने वाले, राइट? तो यानी कि और वो उसके लिए कोई भी रिटर्न या फिर रिफंड भी नहीं करने वाले हैं। और गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप यदि ये जो आर्टिकल्स को भी ध्यान से देखेंगे और आप यदि यूनिक ग्लांस या फिर द रेवेंटिक आर्टिकल्स को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे 100% सिमिलर आ जाएगा, 100%, ना कि 99%। तो ठीक है, तो यार
और गाइज जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट पर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी 100% सिमिलर आ जाएगा। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट के नाम पर एक ईमेल एड्रेस दिया गया है, राइट। इतने सारे प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर नहीं है और एक ईमेल एड्रेस दिया गया है। और हम पास्ट में जितने भी सारे वेबसाइट का रिव्यू किए थे, 99% वेबसाइट में सेम इस तरह का फंडा को यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि जो ईमेल एड्रेस है ये सही होगा या भी नहीं, राइट। क्योंकि गाइज आप यहाँ पे 799 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोई भी सामान को परचेस करने के लिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, सपोज कल आप यदि ऑर्डर करते हैं तो फिर आपको ये प्रोडक्ट बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी कुरियर के माध्यम से मिला, राइट। तो सपोज़ आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि मुझे भाई एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिला है, मुझे कोई पुराना प्रोडक्ट मिला है, राइट। तो हम उसको रिफंड करना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं। तो गाइस मुझे ये बताओ, आप यदि इस वेबसाइट से कोई भी सामान परचेस करते हो, सपोज़ ये जो स्टाइलिश मैंस बॉटम हो या जींस है, आप यदि इसको परचेस करते हो 800 रुपीज़ देकर, तो सपोज़ आपको ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, राइट। और प्रोडक्ट डिलीवरी होने के बाद आपको लगा कि नहीं आपसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है और आप चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए, तो मुझे ये बताओ आप रिटर्न कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी मेंशन किए हैं कि क्वालिटी और कलर के लिए रिटर्न नहीं करते हैं, और यदि भी रिटर्न करते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऐसे कस्टमर सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, राइट। या फिर यहाँ पे कोई भी ऐसे सर्विस प्रोवाइड ये नहीं कर रहे जिसके माध्यम से आपका जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न हो सकेगा। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने whois.com वेबसाइट को ओपन किया हूँ ये जानने के लिए कि ये जो डोमेन है, ये जो jackdenens.com जो डोमेन है, कहाँ से रजिस्टर हुआ है, कब रजिस्टर हुआ है। तो यार जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2021 और जून 25 को ये डोमेन रजिस्टर किया गया है godaddy.com से, और इसका एक्सपायर डेट ठीक 1 साल के बाद होगा, सेम डेट सेम मंथ और 22 में होगा, राइट। और यदि आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे ये सब कुछ हाइड किए हैं, जैसे कि नेम्स, ऑर्गेनाइजेशंस और एड्रेस वगैरह, ये सारे के सारे डिटेल्स हाइड करके रखे हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, यार देखो जो कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है यदि वो उसका डिटेल्स यानी कि आइडेंटिटी छुपा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए चाहता है, राइट। तो यार देखो यदि मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करता तो फिर मैं मेरा खुद का जो आइडेंटिटी है ये मैं कैसे उसको हाइड करूँगा, कैसे उसको छुपाऊँगा। क्योंकि यार मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे लोगों के अंदर एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए, राइट। और तो यार देखो जो सारे वेबसाइट का जो ओनर्स है ना, या तो उनका आइडेंटिटी वो छुपा रहे, तो इसका मतलब ये कि वो डर रहे हैं कहीं वो पकड़ न जाए। तो गाइस यार देखो यहाँ पे ये जो jackdenens.com है इसका ओनर के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं मिल रहा है। तो यार देखो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर यदि ओनर के बारे में कोई डिटेल्स नहीं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको ऑनलाइन पर कहीं पर भी इसका जो ओनर है उसका डिटेल्स आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे ये जो jackdenens.com है यहाँ पे उसका ओनर्स का बारे में कुछ डिटेल्स नहीं है, यहाँ पे कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वेबसाइट काफ़ी न्यू है, और हम पास्ट में इस तरह का बहुत सारे वेबसाइट हम देख चुके हैं और जो कि लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, तो हमको ये कैसे इस वेबसाइट पर बिलीव होगा। तो यार देखो जो आइडेंटिटी छुपाते हैं वो स्कैमर ही छुपाते हैं, क्योंकि उनको पकड़े जाने का डर है, राइट। लेकिन जो सही बंदे होते हैं, जो सही काम के लिए डोमेन को रजिस्टर करते हैं, जो सही काम करते हैं ऑनलाइन पर, वो उनका आइडेंटिटी कभी भी छुपाते नहीं, राइट। जैसे कि मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि ये जो वेबसाइट है ये शॉपिफाई से डेवलप हुआ है, तो जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ओपन किया हूँ whatcms.org। तो यहाँ पे जो CMS है यूज़ किया गया है यानी कि कस्टम मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे ये शॉपिफाई यूज़ किए हैं, शॉपिफाई, राइट, जैसे मैं आपको बताया था, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो गाइस मेरा व्यूअर्स को तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा ये वेबसाइट के, इस वेबसाइट से कोई भी सामान परचेस करे, क्योंकि मुझे तो खुद को इस वेबसाइट पर 1% का बिलीव नहीं हो रहा है। क्योंकि गाइस यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स नहीं है, वेबसाइट का ओनर के बारे में कुछ डिटेल्स नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी टोल फ्री नंबर नहीं है, यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिए हैं लेकिन उस पर भी कोई ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि हमको वहाँ पे कुछ भी मदद मिलेगा। और हम पास में इस तरह का ऑलरेडी बहुत सारे वेबसाइट देख चुके हैं, ठीक है, जो कि लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो फिर यार इतने सारे फैक्ट जानने के बाद मुझे कैसे बिलीव होगा इस वेबसाइट के ऊपर, और मैं यहाँ पे 800 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करूँगा कोई भी सामान को परचेस करने के लिए। तो फिर आपको क्या लगता है कि जो वेबसाइट है ये सही है या फिर नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ। यदि आपको लगता है कि ये जो वीडियो है आपका हेल्पफुल के लिए है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और आपके फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।